ये सीमेंट की कंपनी कब आई थी इस यहाँ? सन 75 में। ये सीमेंट फैक्ट्री 1 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ कितने सालों से है? ये तो बहुत सालों से है दीदी, कम से कम 50 साल से। फैक्ट्री से ज्यादा परेशानी है, ब्लास्टिंग होती है तो बहुत पुराने मकान बने हैं हम लोगों के, पक्के बाप दादों की पक्की मतलब के मकान है, तो इसकी ब्लास्टिंग से नए मकान भी क्रैक हो जाते हैं और पक्के तो होंगे ही होंगे। मैं आरती वाल्मीकि और ये है ग्राम चैनपुरा। ग्राम चैनपुरा में रहने वाली मछला जो अपने 3 बच्चों और अपने परिवार के साथ रहती हैं, जिन्होंने ये सपना सजाया था कि उनका एक घर होगा जिसमें वो अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सके। आप लोगों को मकान की क्या समस्या है? अब तो दीदी ये मकान तो हमारे गिरने के हिसाब में ही है, इन पर बहुत सी कोशिश कर ली हम लोगों ने कि भाई हमें थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाएगा, हमारे मकान गिरने वाले हैं, ये कंपनी वालों से ये ब्लास्टिंग बिल्कुल पीछे आ चुकी है। क्या इस जमीन के आप लोगों के पास पट्टे हैं? हाँ बिल्कुल पट्टे बराबर हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मुआवजा किससे मांगा? अरे दीदी कंपनी से मांगा, सरकार से मांगा, लेकिन सरकार ने भी आंखें बंद कर ली और कंपनी ने भी कर ली, कोई देने के लिए मंजूर नहीं है। तो आप लोग इतने सालों तक क्यों बर्दाश्त करते रहे? अब बर्दाश्त सब इसलिए करते रहे कि कोई ने सुनी नहीं है, नेता लोगों ने, बड़े लोगों के पास गए सुनने हाउ कई कि जो तुम्हारा काम ऐसे से ऐसा हो जाए तुम्हें मुआवजा मिल जाए तुम्हें इसको, लेकिन बड़े लोगों ने नहीं सुनी मुआवजा की। आज घर नहीं है तो कुछ नहीं है और घर है तो सब कुछ है, मेरा इतना ही अनुभव है और मैं इस गाँव में आके थोड़ा सा दुखी भी हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने वाले सभी श्रोताओं से मेरी अपील है कि अपना फोन कर संबंधित अधिकारी को दबाव बनाएं और समस्या पे बदलाव की कोशिश करें। बदलाव के लिए हमारे जिला कलेक्टर महोदय जी का नाम है स्वतंत्र कुमार सिंह जी, जिनका फोन नंबर है 94251368000। मैं आरती वाल्मीकि ग्राम चैनपुरा से जिला दमोह मध्य प्रदेश इंडिया अनहर्ड के लिए।